सुनु खगे से नहीं कछुर से दूषण, उर प्रेरक रघु वंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। हे पंछी राज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना, ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, क्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बोलाई, मम परितोष विधि विधि कीना, हरि सिते राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछता कर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बाल करूप राम करे ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना, सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथमय मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पर ध्यान में आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछु को काल तह राखा, राम चरिति मानस तब भाषा, सादर मोहिया कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा, तब उन्होंने रामचरित मानस का वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सरे गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद ताति मैं पावा, तो ही निज भगति राम करी जानी, ताते मैं सब कहो बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे यह चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगत जिने के उर नाही, कबहु न ताते कहै तिन पाई, मुनि मोहि विविधि भांति समुझावा, मैं सब प्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल पर असीम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीषा, राम भक्ति अबीरल उर तोरे, बसहि सदा प्रसाद अभी मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब तेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रांगण राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवनी अमान, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी के प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा की मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जही आश्रम तुम बसो, पुनि सुमिरति श्री भगवंत, व्यापित ना अविद्या जो जन एक प्रजंत। इतना ही नहीं, श्री भगवान का स्मरण करते
हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहाँ एक योजन तक अविद्या नहीं व्यापेगी। काले कर्म गुनी दोष सुभाउ कछु दुख तुम्हें ना व्यापै काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य गुप्त मम के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं। बिनु श्रम तुम जानब सब सो नित नौने राम पद हो। जो इच्छा करी हो मम ने माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आशीषे सुन मति धीरा ब्रह्मा गिरा भय गगन गंभीरा। ए उमस्त तबे बच मुनि ज्ञानी या मम भगति कर्म मम बानी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मावाड़ी हुई कि हे ज्ञानी मुनि तुम्हारा वचन ऐसा ही हो या कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनी नभ गिरा हरसि मोहि भयउ प्रेम मगन सबे संशय गयउ। करी बिनती मुनि आयुष पाई पदि सरोजि पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित ही आश्रम आयु प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायु। इहा बसति मोहि सुन खग ईशा बीते कलप सातु अरुवीशा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया प्रभु श्री राम की कृपा से मैंने दुर्लभ बर पा लिया। पंछी राज मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करहु सदा रघुपति गुण गाना सादर सुनई बिहंग सुजाना। जब जब अवधि पुरी रघुवीरा धरई भगत हिते मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पंछी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं तब तब जाई रामपुरे राउ शिशुलीला बिलोक सुख लहु। पुनि राख राम शिशु रूपा निजी आश्रम आवो खग भूपा। तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला को देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पंछीराज श्री राम जी के शिशु रूप के हृदय में रख कर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई काग दे ही जे ही कारण पाई। कहे उताती सभी प्रश्न तुम्हारी राम भगति मही माति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई वो सारी कथा आपको सुना दी। हे तात मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा राम भक्त की बड़ी भारी महिमा है। ताते या तने मोहि प्रिय भयो राम पदेने निज प्रभु दर्शने पायो गए सकल संदे। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ है। इस शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए हैं और मेरे सब संदेह जाते रहे हैं। भगति पक्ष हटे कर रहे हो दीन महारिषि साप मुनि दुर्लभ बरे पायो
देखो भजने प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे साप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए।